Good morning, students. So, 6th class students, our third chapter, Tao's Reward. Before starting the chapter, I want to ask you one thing, that daily you are getting suggestions from your elders and from your teachers that we should respect our parents, we should be thoughtful to them, and we should do hard work to achieve the success. मतलब ऐसी ऐसी advices हमें मिलती रहती है, but follow कौन कौन करता है उस चीज है ना? कुछ ही ऐसे इंसान होते हैं जो उसको follow करने की कोशिश तो सब करते हैं, but उसको truly follow कोई कोई कर पाता है। तो ये जो chapter है वो एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसका name है तारो, जो कि बहुत ही ज्यादा hardworking, thoughtful और obedient child था अपने parents का। बहुत ज्यादा उनकी वो care करता था, बहुत ज्यादा वो हार्डवर्क करता था अपनी ड्यूटी के लिए, और बहुत ज्यादा वो थॉटफुल था, मतलब उनकी हर एक नीड को पूरी करने के लिए वो पूरी जान लगा देता था। सो दिस काइंड ऑफ बॉय वाज तारो। तो वैसे तो आइडियल है सब कि भाई ऐसा इंसान सब सोचते हैं पेरेंट्स की हमारा सब भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें और भी उसके बाद में अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके की क्वालिटी एक अच्छे सर में होनी चाहिए। आफ्टर दैट तारोज रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? एवरीवन नो प्राइज, इनाम, पुरस्कार जिसको बोलते हैं। तो तारो के लिए क्या रिवार्ड था इस चैप्टर में? ऑब्वियसली जो बच्चा अच्छा होता है क्लास में, कोई बच्चा अच्छा होता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मतलब वो कोई अमाउंट दे ना दे, लेकिन वही बात है ना, बोर्ड ही ऑब्जर्व्स एवरीथिंग दैट द मोस्ट पावरफुल। तो हम इस चैप्टर में उस रिवॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो नेचर ने तारो को प्रोवाइड करवाया, जो उसकी थॉटफुलनेस की वजह से, उसकी ओबीडियंस की वजह से और उसकी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से ही उसको नेचर ने उसको उस रिवॉर्ड के लिए चुना है। और कोई उस रिवॉर्ड को मतलब आनंद नहीं उठा सकता उस रिवॉर्ड का। वो रिवॉर्ड था क्या? ऐसा क्या रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाया तारो को नेचर ने, उसके बारे में हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। तारो वाज अ वुड कटर, ओके। He was very poor and he was living on a hillside along with his parents, and he was, as I have told you, he was very thoughtful, hardworking and loving son to their parents. He was really obedient also. Day by day he was working really really hard to fulfill all the needs of his parents. His parents were become very weak. So one day what happened? They were living in their hut. They were sitting inside the hut in the corner. So his old parents started to feel so cold by the cold blowing air. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से उसके फादर को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, that he was started shivering. Shivering करना start कर दिया, and he made a wish that time. उसने एक wish की, एक desire प्रकट की, एक इच्छा प्रकट की, that I could get a cup of sake. Sake क्या होता है? एक Chinese drink होती है जिसको पीने के बाद बहुत ही ज्यादा warm feel होती है, गर्माहट महसूस होती है। तो तारो जो बैठा बैठा ये चीजें सुन रहा होता है तो उसको बड़ा ही मतलब बुरा फील होता है दैट मेरे फादर ने सिर्फ एक कप ऑफ सेक की डिजायर मेरे सामने प्रकट किया और मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो मतलब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है उस टाइम पे, और वो क्या सोचता है मतलब कि भाई अगले दिन तुम्हें और भी मेहनत करनी है, आई विल स्टार्ट अगेन सो मच हार्ड वर्क दैट आई रियली फुलफिल योर विश। मैं इतने पैसे कमाऊंगा हार्ड वर्क करके, लकड़ियां और भी ज्यादा काटूंगा, कल और भी जल्दी उठूंगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो मेरा पापा जी को मैं सेक प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जैसा कि उसने सोचा था, जब हम सोचते हैं ना रात को कि हमें जल्दी उठना था, हमारी जल्दी ही आंख खुलती है, तो ऐसा ही सेम तारों के साथ हुआ। जैसे ही मतलब उस सुबह से एक दो घंटे जल्दी उसके माइंड में अचानक आया, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, बेड से बिल्कुल गया, अचानक से उठ के झटके से उठ के खड़ा हो गया। देन ही हैज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड। पहुंच गया फॉरेस्ट में, जब तक मतलब उसे उसके माइंड में सिर्फ यही था कि उसे अपने पापा जी को क्या करना है, सेक प्रोवाइड कराना है। काट रहा जस्ट कीप ऑन चॉपिंग एंड चॉपिंग द वुड्स, एंड जब तक सूरज के सर पे नहीं आ रहा, द सन वाज अबव हिज हेड, ठीक है, ही वाज जस्ट स्वेटिंग अ लॉट, पसीने से बिल्कुल तर-बतर हो गया था। तो क्या होता है, प्यास लगती है उसको, वो बस पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, देखता है कि इधर उधर उसको पानी मिल जाए। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, he heard a noise,
What was the noise? He was just hearing that something was blowing. Means कुछ लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है ठीक है जैसे ही वो पास जाता है थोड़ा सा वो उसे देखते उसने देखा दैट ए फाउंटेन वाज ब्लोइंग बिहाइंड ए रॉक एक रॉक के पीछे से एक झरना बह रहा है ठीक है तो वो जैसे ही मतलब वैसे को क्या चाहिए पानी जैसे ही उसने लिक्विड को देखा वो दौड़ पड़ता है उसी तरफ उसकी एक्स को वहीं गिरा के निकल पड़ता है जैसे ही वो उसकी सिप लेता है ये टेस्टेड इट वाज इट वाटर नो इट वाज द डिलीशियस थिंग उसको विश्वास नहीं होता है कि झरने से सेक कैसे आ सकता है अगेन एंड अगेन ही टेस्टेड बट एवरी टाइम इट वाज अ सेक तो इस तरीके से नेचर ने क्या प्रोवाइड करा दिया उसको वही चीज जिसके लिए वो इतनी मेहनत किए जा रहा था वो बस अब सारे मैक्स वगैरह वहीं छोड़ के उसके पास जो पिक्चर होता है पिक्चर मीन्स होता है पोर्ट पोर्ट में वो सारा जितना कलेक्ट हो सकता था सारा सेक लेकर के जाता है और अपने पिताजी को पिला देता है एंड उसकी एक वन सिप लेते ही जो उसके पापा जी हैं गवर्नमेंट सो डिलाइटेड डिलाइटेड मींस उधर बहुत ज्यादा हैप्पी फील करना ही फेल्ट सो डिलाइटेड दैट ही डांस्ड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर जो उनकी झोपड़ी होती है उसके मिडल फ्लोर पे थोड़ा सा डांस करने लग जाता है ठीक है तो झूम उठता है मतलब उसको पीख के क्योंकि उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई थी जो उसने की थी ठीक है तो मतलब तारो ऐसा पर्सन था कि सबको अपनी चीजें शेयर करना पसंद करता था तो जो भी उसके घर गेस्ट आते हैं ना उसने उनको भी वो सेक ऑफर करता है हमारे घर में जो सबसे डिलीशियस चीज होती है ऑब्वियसली हम वही ऑफर करते हैं ना गेस्ट को तो उसने भी क्या किया उनके घर एक लेडी आई आफ्टरनून में इवनिंग के टाइम तो क्या किया उसने उसको वो सेक ऑफर किया और वो उस डिलीशियस सेक को पी के बहुत ही ज्यादा खुश हुई लेकिन यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा चैप्टर में जिसके बारे में हम क्या करेंगे फिर पढ़ेंगे कि भाई तारों का जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ तारों को ही क्यों मिला क्योंकि अगर उनको ये सेक मिला है तो किसी ना किसी वजह से मिला है सबको तो नहीं मिल सकता क्या होगा इस चैप्टर में क्या तारों जो है वो सबको ये सेक बांटेगा या फिर और जो लोग हैं वो भी इस सेक को पिएंगे और बेचेंगे भी और मालामाल हो जाएंगे सो वी विल चेक आउट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू